स्वस्थ बच्चा हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, तम्बाकू निषेध दिवस हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम निरंतर रात दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम करते रहते हैं और आपका सानिध्य और स्नेह पूरी ACCI उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को मिलता रहता है और उसी कड़ी में आपके साथ हमें अपने मित्रों के साथ बच्चों के साथ मिलकर के जो शासन के ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम होते हैं हम लोगों का जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस तरह आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने बात रखें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, छोटा कार्य स्वागत है। अपने गरिमामय उपस्थित से इस पूरे प्रांगण को गौरवान्वित कर रहे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया जनपद के जिलाधिकारी श्रीमान अमित किशोर जी, देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीपद मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि के भी रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित अभी हमारे यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय चले गए हैं श्रीमान सत्यपाल जी, वर्तमान में उप जिलाधिकारी सदर देवरिया महोदय, सीओ सिटी श्री प्रतिनिष्ठा उपाध्याय जी, ARTO देवरिया श्री चतुर्वेदी जी, DPO साहब, हमारे ऐसे ब्यूरो की प्रभारी SHO महिला साहब, RI साहब, TSI साहब, पुलिस परिवार के लोग, पत्रकार बंधु, सिक्योरिटी कमीशन कमेटी ऑफ इंडिया ACCI के सदस्य और पदाधिकारी एवं देश का भविष्य कार्य बच्चों, आप सभी का ACCI के इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले एक वर्ष लगभग 21 मार्च से हम लोग लगातार जो कोविड पैंडेमिक था, जो कोविड महामारी थी, कोविड-19 से जूझते रहे हैं और आपने देखा होगा कि पूरे सड़कों पर हर जगह सन्नाटा था, लेकिन ऐसी आप लोग थोड़ा सा शांत रहे, लेकिन समस्याओं में भी कैसे जीवन जीना है, उसको कैसे आगे चलना है, उसके लिए बहुत प्रेरणादायी एक कविता है, एक महान कवि की कविता है जिसको संभवतः आप लोग भी सब जानते होंगे, तो मैं आप लोगों के सामने वही कविता की चार पांच लाइनें रखता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम का औचित्य और पूर्व में जो समस्याएं हमको थी और भविष्य में जीवन कैसे जीना है, सबके मायने आपको मिल जाएंगे। मैं आप लोगों की आशा करूंगा कि आप लोग धैर्य और शांति पूर्वक सुनेंगे भी और एक एक लाइन को समझेंगे भी, और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी आपको इस बात की होनी चाहिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि संभवतः उन कभी को आप जानते भी हैं, तो लाइनों को सुनिए समझिए और देखिए कि आप जानते हैं क्या। तो मैं शुरू करने चल रहा हूँ। कविता का नाम है आशा। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, कल जो था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होगा, याद केवल इतना रहता है कि कल क्या क्या होगा, मालूम नहीं कल अब क्या क्या होगा, पर आशा में संभावनाएं अपार, आशा में ही जीता संसार, आशा ही कहती है कल जो होगा वह अच्छा होगा, आशा ही कहती है कि कल जो होगा वो अच्छा होगा, आशा कल को पुष्ट करती है, जो आज नहीं हो पाया उसे कल के लिए संपुष्ट करती है, इरादों को पुख्ता करती है, आशा आशा सफलता से भी दूरतर होती है, आशा आशा कितनी भी कम हो, आशा कितनी भी कम हो निराशा से बेहतर होती है, आशा कितनी भी कम हो निराशा से बेहतर होती है, कल का इंतजार करती है, आज से सदैव खफा रहती है, समय को सदा बेवफा कहती है, आशा ही अपने कर्म से आलस्य को शर्मिंदा करती है, मृत को भी जिंदा करती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी मर जाता है, डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं बच नहीं पाएगा या मर गया है, लेकिन फिर भी आशा ही है जो हमें डॉक्टर के पास और बड़े डॉक्टर के पास हमने जाते हैं और आशा करते हैं कि शायद ये जीवित हो जाए। आज में रुचि बढ़ाती है, मन को सदा समझाती है, आज में कल का विकल्प तलाशती है, सोते को जगाने का नाम है आशा, भूतात्माओं में प्राण फूंकने का नाम है आशा, कोशिशों को सफलता तक पहुंचाने का नाम है आशा, दरकती चट्टानों को रोकने का नाम है आशा, डूबने को बचाने का नाम है आशा, आशा आशा
दिन रात काम करने का जुनून है। आशा आशा दिन रात काम करने का जुनून है। आशा आंदोलित मन का सुकून है। आशा आंदोलित मन का सुकून है। कार्यक्रम के पहले जैसे हम लोगों का मन होता है तो उसका सुकून क्या है? आशा। सर आएंगे, आप लोग सम्मान होगा, हमारा होगा। आशा फिसलते जीवन की बस गांठ बनवाती है। बस आशा फिसलते जीवन की बस गांठ बनाती है। हैप्पी बर्थडे जानते होंगे आप। उत्सव कराती है। अंधेरे में भी प्रकाश देखती है, फैलाव में भी विकास देखती है। आशा आशा अनवरत चलने की चाह देती है। आशा आशा जीवन में नई नई राह देती है। आशा जीवन में नई नई राह देती है। आशा है तो हम लोग हैं। अब कोई बता सकता है कि कवि का नाम कोई बता सकता है कि किनकी रचना है? माइक ले जाइए भाई, माइक ले जाइए, बताइए। और भाई कोई बता सकता है? क्योंकि जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ सब आप सब उनसे परिचित हैं, सब जानते हैं। वो कोई और नहीं है, वो हमारे बीच में बैठे देवरिया पुलिस कप्तान डॉक्टर शिखर मिश्रा। सीप के मोती उसी का एक अंश है। और आप लोगों से मैं बताऊं कि ये जो पीछे समस्याएं रही हैं उसमें इसने बहुत बड़ा काम किया है। तो एक बार जोरदार मैं चाहता हूं हमारे कप्तान साहब के लिए हम लोग जोरदार। बस दो लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले वर्ष भी कार्यक्रम हुआ था, इस वर्ष भी कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जो देवरिया जनपद के डीएम साहब हैं श्रीमान अमित किशोर जी, 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, इसके पहले एटा में भी डीएम रहे। सर जब से आप देवरिया आए हैं लगभग 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो गया, आपने बहुत ही अच्छा देवरिया जनपद को संभाला है। और जिस तरह से अभी बच्चों का सम्मान आप कर रहे थे और सबके भविष्य की चिंता आप कर रहे थे सर, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कार्य करने का जो तरीका है, जो बड़े भाई छोटे भाई का है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपकी तालियों ने बता दिया अपने